ये डर है, ये भय है, जब से हम सभी ने, इस देश के प्रमुख दलों ने इंडिया अलायंस बनाया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है इंडिया भी है, जो हमारे संविधान ने हमको नाम दिया है, जब से हमने इंडिया का नाम लिया है हमारे अलायंस को, तब से ये लोगों को अपने इंडिया जो अपना देश का नाम है अपने देश से डर लगने लगा है। ये विश्व में पहली बार होता है कि कोई राज्यकर्ता, कोई रूलर अपने देश के नाम से ही घबराता है, डरता है और देश का नाम बदल जाता है। आप क्या क्या बदलोगे भाई? भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, हम सब एक है, ये संविधान ने दिया हुआ नाम है, आपको बदलने का अधिकार किसने दिया? आप बार बार न्यू इंडिया और नया भारत की बात करते हो ना, तो आप के लिए रिपब्लिक ऑफ नया भारत हो सकता है। आप रिपब्लिक ऑफ नया भारत बनाकर दिखाइए, बनाइए, जो भारत 70 साल से हमारे पुरखों ने बनाया है वो आपकी जागीर नहीं है, वो इंडिया भी है, वो भारत भी है। लेकिन सिर्फ राजनीतिक हार की वजह से, डर की वजह से आप नाम बदलने जा रहे हो, इस देश की जनता ये मंजूर नहीं करेगी। केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं अफवाहें हैं, किसी तरीके से नाम बदलने की बात नहीं है, काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, काम पर आप ध्यान दीजिए ना, ये आपके बारे में ही बोल रहे हैं ना, आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए काम पर ध्यान दीजिए। अच्छी बात है, 10 साल में कुछ काम किया है ना, इसलिए दिल्ली को छुपाने की कोशिश चल रही है G20 के मद्देनजर। ठीक है, हो गया, थैंक यू। इंडिया अलायंस की अगली बैठक कब सर होने वाली है? देखिए, इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें 13 मेंबर है। एक कैंपेन कमेटी बनी है, उसमें भी सभी मेंबर्स लगभग आ चुके हैं। 13 तारीख को शरद पवार साहब ने उनके दिल्ली के निवास स्थान पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होस्ट की है और हम सब लोग उस मीटिंग में शामिल हो गए। अब ये मीटिंग चलती रहेगी और उसका ऊपर हम आगे जाएंगे, उसके आगे जाएंगे, काम करते रहेंगे। सर, विशेष सत्र भी बुलाया जा रहा है, क्या उसमें बदला जा सकता है नाम, नोटिफिकेशन जारी? भाई, ये संविधान बदलने की कोशिश है, डॉक्टर आम्बेडकर साहब का अपमान हो रहा है। दर दिन एक संविधान में बदलाव लाकर, ये जो अपमान है डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने जो इस देश का संविधान दिया है, उसमें इंडिया है, उसमें भारत है, ये विविधता है, एकता है, राष्ट्रीयता है, हम सब एक है। लेकिन मैंने कहा ना कि जब से इंडिया अलायंस बना है, इस इंडिया नाम से इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की रूलर पार्टी इंडिया नाम से नफरत करने लगी, ये अब तक कभी हुआ नहीं है। इसलिए नाम बदलने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखेंगे और क्या क्या कार्यक्रम ये लोग करते हैं। हमने कल हमारी मीटिंग हो गई कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष खड़गे साहब के घर पे, हम सब लोग वहां मिले। हम सभी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को सर्वाधिकार दिए हैं कि आप उस बारे में निर्णय लीजिए। तो हमने तय किया है कि सोनिया जी CLP लीडर है, तो उनकी तरफ से इस प्रकार का एक लेटर जाना ये उचित है।